22 नवंबर को जलसे की तैयारियां जारी हैं। साफ चौक पर स्टेज बनाने का काम तेज कर दिया गया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ शफी। पीडीएम अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए 22 नवंबर को पेशावर का पड़ाव करने जो है वो आ रही है और इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी हैं। पेशावर का दिलजाग चौक जो है वो मुंतखब किया गया है। ये स्टेज के लिए कंटेनर्स जो है वो लाए जा चुके हैं। डीजे भट्ट जो है वो भी मौजूद है, जो कि यहाँ पर जितने भी कारकुन हैं उनका लहू गरमाएंगे। पीडीएम के लिए स्पेशली एक नया तराना शब्बीर उस्मानी है दुबई से, जिन्होंने हमें एक नया तराना भेजा है। वो बड़ा ज़बरदस्त तराना है पीडीएम के लिए, इंशाल्लाह ताला वो हम जरूर सुनाएंगे आपको। हुकूमत और सूबाई वज़रा का ये कहना है कि कोरोना की जो सूरत हाल है वो बिगड़ रही है और किसी सूरत ये जलसा जो है हम करने नहीं देंगे। दूसरी तरफ पीडीएम जो है पूरी कोशिश कर रही है। पीडीएम का कहना है कि जलसा जो है हर सूरत होगा और पेशावर के दिलजाग चौक में तैयारियां जो है वो हम भरपूर कर रहे हैं और जलसा हम करके दिखाएंगे।